हेलो फ्रेंड्स, राजमा किसे पसंद नहीं होता आखिर। तो चलिए आज बनाते हैं हम राजमा। तो इसके लिए मैंने ये आधा कप राजमा रात भर भिगो लिया था। ये मैं दो लोगों के लिए बता रही हूँ। तो मैंने आधा कप राजमा भिगो लिया था रात भर, फिर सुबह को मैंने इसको एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है और थोड़ा पानी डाल दिया जिससे राजमा डूब जाए। एक टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून खाने का सोडा डाला है और ये डाल के मिक्स कर दिया और इसे गैस पर चढ़ा दिया। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया है। फिर इसे खूब सारी विसल दे देंगे, एक विसल को हाई फ्लेम पे और 6-7 विसल लो फ्लेम पे दे देंगे। फिर इस एक पैन रखेंगे, इस पैन में 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी डालेंगे क्योंकि घी के बिना तो स्वाद ही नहीं आता खाने में। तो देसी घी डाल देंगे 1 टेबल स्पून। फिर इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, ये हींग लिए तो 1 चुटकी के करीब हींग डाल देंगे। फिर थोड़ा सा जीरा लेंगे 1/2 टीस्पून, तो 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे इसमें। जीरा जब हमारा चटक जाएगा तो इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। अभी एक प्याज लिए मैंने मीडियम साइज़ की, तो इसको डाल लेंगे और इसे प्याज को अच्छे से भून लेंगे। इसे प्याज को हल्का ब्राउन सा कर लेंगे, खूब अच्छे से भून लेंगे। जब ये घी अपना रिलीज़ कर देगी तो इसमें मैंने 2 टमाटर लिए हैं कटे हुए बारीक, वो टमाटर डाल देंगे और नहीं टमाटर को चॉप वो कर लेंगे, भून लेंगे। फिर इसमें हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा मिर्ची डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तब तक इन्हें भूनेंगे जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसमें जो राजमा है हमारा बॉईल करा हुआ वो डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर कम से कम 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि जो इसके जो मसाले हैं इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं और ये अपना फ्लेवर रिलीज़ कर दें। फिर इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और फिर सर्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना। ओके, बाय बाय।